हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस 1111। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज है न्यू मून और आज हम न्यू मून की रीडिंग करने वाले हैं। तो आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये न्यू मून जो है वो आपके लाइफ में क्या ब्लेसिंग और अबंडेंस लाने वाले हैं आने वाले वक्त में। न्यू मून का इफेक्ट जो रहता है वो 15 से 20 दिन का रहता है। तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि आने वाले 15 से 20 दिन में आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव और चेंजेस होने वाले हैं। ओके, तो आज की ये जो रीडिंग है ये मैंने दो पाइल्स में डिवाइड की है। पहले पाइल में आप देख सकते हैं कुछ राशियों के नाम लिखे हैं, जिनमें है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो या वर्गो। और दूसरी पाइल में जो राशियाँ हैं वो है तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि, यानी कि लीब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसिस। तो फ्रेंड्स, इनमें से आपको अपनी राशि सिलेक्ट करनी है। अगर आपको आपकी राशि पता है तो आप अपनी राशि के अनुसार अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। ऑलराइट, और अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अपनी राशियाँ नहीं पता है तो आप ये जो क्यूट से आइडल है आइदर ये चूज कर सकते हैं या फिर ये चूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी कलर इनमें से अच्छा लग रहा है तो आप वो रीडिंग देख सकते हैं या फिर आप दोनों रीडिंग भी देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पर रीडिंग शुरू करने से पहले बता देना चाहती हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियोज़ को शेयर करें, वीडियोज़ को लाइक करें, और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो कमेंट में यूनिवर्स को थैंक यू कहना ना भूलें। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल 1, वेलकम बैक टू योर रीडिंग। तो अगर आपने सेलेक्ट किया है ये क्यूट से मैरून बुद्ध आयतल को, या फिर आपने अपनी राशि चूज की है जो कि है एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो या वर्गो, यानी कि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह या कन्या राशि, चलिए देखते हैं कि ये न्यू मून जो है आपके जिंदगी में क्या मेजर चेंजेस लाने वाले हैं। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। चलिए सबसे पहले हम कार्ड टैरो से देखेंगे, फिर हम देखेंगे मून ब्लेसिंग्स क्या है, और हम आज कुछ और भी कार्ड्स देखेंगे। ऑलराइट, चलिए पाइल 1 के लिए न्यू मून क्या ब्लेसिंग लाने वाले हैं हम देखते हैं। ऑलराइट, दो एनर्जीज हमारे पास आ गई है। सबसे पहला है हाई प्रीस्टेस एंड देन वी हैव टू ऑफ कप्स। पाइल 1, okay, we have the death card. बहुत सारे कार्ड्स गिर रहे हैं, इतने कार्ड्स तो मैं नहीं ले सकती। We have the judgment card. Magician. Alright. We have 8 of Wands. Justice. Okay. We have Sun and we have Devil as well. All right. And we have Ace of Swords. Pile 1. और बॉटम से रूल कर रहा है 9 of Swords का कार्ड। ऑल राइट, तो चलिए साइन और एलिमेंट के तरफ बढ़ते हैं। ऑल्दो आपने अपने साइन को तो चूज किया हुआ है, आप जिस भी राशि के हो, पर फिर भी यहाँ पे जो साइंस है उसमें से मुझे साइंस जो नज़र आ रहे हैं इनमें से मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे जो साइन है उसमें से लीब्रा की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनी की एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस के लोग भी हैं, यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के लोग भी मौजूद हैं, यहाँ पे स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है। ऑलराइट,
वैसे हम जो भी यहाँ पे साइन आपने चूज किया है उस हिसाब से ही हम रीडिंग करने वाले हैं, बट फिर भी मैंने बता दिया क्या साइन यहाँ पे आ रहे हैं। तो चलिए बताते हैं कि ये जो आज न्यू मून है ये आपके लाइफ में क्या चेंजेस लाने वाला है। पाइल वन, देखिए सबसे पहले मैं बता देना चाहती हूँ, जो सबसे पहला मैसेज मुझे यहाँ पर रिवील हो रहा है वो ये है कि जस्टिस और जजमेंट का कार्ड एक साथ आया है, माने कि कुछ ऐसे पास्ट के आपके इश्यूज रहे हैं जो आपसे दिल से, आपके दिल से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है लव रिलेशन हो, आपके फैमिली के बारे में भी हो सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं जो शायद आपके और आपके फैमिली के बीच में क्लैश होती हो, कोई डिफरेंस हो, जो आप यू नो मतभेद होते हो आपके आपके फैमिली के साथ, तो ये जो है इसका एक क्लियर पिक्चर आपकी ज़िंदगी पे आने वाला है। क्योंकि आपको आपकी जो ओवरऑल एनर्जी है यहाँ पे नाइन ऑफ सोर्स ये बात करती है कि आपको क्लैरिटी चाहिए लाइफ में। हो सकता है आपके पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में अब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिली है, ऑल्दो मुझे ऐसा लगता है कि आप क्लैरिटी ही प्रेफर करते हो। हो सकता है आपका पास्ट में किसी ने दिल तोड़ा हो, कोई सेपरेशन मोड से आप बाहर आए हो, या फिर ऐसा लगता है कि आपका डिवोर्स हुआ हो, आप सिंगल पेरेंट हो सकते हो। तो ये जो न्यू मून आ रहा है आपके लाइफ में मेजरली ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा है। अब आप पूछोगे क्या है वो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि किसी भी साइकिल का एंड होना, कोई भी मेजर अगर ऐसा साइकिल है तो उसका एंड होना। तो क्या है मेजर साइकिल, हो सकता है आपने पास्ट में, मुझे लग रहा है 3 से 5 साल हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए 5 से 6 साल हो सकते हैं, आप एक बहुत टफ साइकिल से गुजरे हो जिसमें हमेशा कार्मा का रोल बहुत बहुत ज़्यादा रहा है, यानी कि कार्मिक चीज़ें बहुत ज़्यादा रही है। आपने ऐसी ऐसी चीज़ों का सामना किया है जो शायद सामने वाले को सुनकर लगे कि ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है या फिर ऐसे हम सिर्फ कहानियां या टीवी सीरियल्स में देखते हैं, बट रियलिटी में अगर आपने कुछ ऐसा फेस किया है तो अब आपको इसका रिवॉर्ड मिलने वाला है। क्योंकि अब जो फैसला होने वाला है वो कहीं ना कहीं आपके फेवर में होने वाला है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सन का कार्ड आया है डेथ के साथ, माने कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो आपकी ज़िंदगी में अब उजाला भरने वाला है। आने वाले 15 डेज में डेफिनेटली जो है आपको किसी जॉब का इंतज़ार है, या फिर अगर आप किसी के कॉल का वेट कर रहे हो वो आने वाला है। आपकी विश अगर रही है कोई भी जो कि आपके वर्क रिलेटेड हो सकती है, या फिर अगर कोई कंफ्यूजन थी आपको किसी रिलेशनशिप में, या फिर अगर आपको किसी पर्सन का इंतज़ार था, तो डेफिनेटली उस पर्सन की तरफ से कॉल, मैसेज, टेक्स्ट भी हो सकता है। कुछ लोग के लिए मुझे ये टाइम बहुत डेस्टाइन लग रहा है, मुझे लग रहा है कि कुछ लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं यू नो फॉर मैरिज, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप अगर किसी पर्सन के हाँ या ना का इंतज़ार कर रहे थे तो डेफिनेटली वो पर्सन अपने दिल की बात भी आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके लाइफ में अब जो कुछ भी होगा ना आने वाले 15 डेज में, यानी कि आज से वो स्टार्ट हो रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा डेस्टाइन होगा। डेविल के साथ सन का आना, माने कि डेविल के ऊपर सन ने जीत की है, और यहाँ पे जजमेंट भी है और जस्टिस भी है, माने कि आपका आपको जो कार्मिक आपके जो भी इश्यूज रहे हैं लास्ट 5 to 6 years में, कुछ लोगों के लिए और कम भी हो सकता है, 2 साल हो सकता है, 1 साल हो सकता है, बट लास्ट 5 to 6 years में जो कुछ भी कार्मिक आपके ज़िंदगी में रहा है, अगर आपने हमेशा फेलियर्स देखा है या फिर हमेशा आपको ऐसा लगा है कि नहीं हमेशा आपके साथ गलत होता है, आपके साथ बुरा होता है, तो इसका जो अब आउटकम है ये आपके लाइफ में आने वाला है, और जो कि बहुत अच्छा है। ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है कि आपकी कम्युनिकेशन क्लियर होने वाली है, आप अगर आपकी बातों से लोग यू नो प्रभावित होने वाले हैं, आपके फॉलोअर्स बढ़ने वाले, अगर आप कोई इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हो या फिर अगर आप कोई भी इन्फ्लुएंसर हो तो आपके फॉलोअर्स बढ़ने वाले हैं, लोग आपकी बात को समझेंगे, सराहेंगे। यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग जो बहुत डेस्टाइन है मिलना वो भी डेफिनेटली मिल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए सोलमेट की एनर्जी हो सकती है, डिवाइन काउंटर पार्ट की हो सकती है, उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है, हो सकता है आपने उन्हीं को मैनिफेस्ट किया हो, तो ये पर्सन भी हो सकता है आने वाले टाइम में आपको मिले और बहुत ही यू नो डेस्टाइन तरीके से आपके ज़िंदगी में आ सकते हैं। देखिए आपकी विश भी मैनिफेस्ट होने वाली है, और विश आपका मैंने बोला भी वर्क रिलेटेड हो सकता है, आपका जॉब रिलेटेड हो सकता है, आपका बिजनेस रिलेटेड हो सकता है, और पर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके लव इश्यूज को रिलेटेड हो सकता है। किसी पर्सन को लेकर अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन ने भी मुझे छोड़ दिया, इस पर्सन ने भी धोखा दे दिया,
या फिर इस पर्सन से मुझे ये उम्मीद नहीं थी, तो देखिए साथ में टेम्परेंस का भी कार्ड आया है, माने कि इसमें भी आपको डिवाइन ब्लेसिंग आ रही है। आप इस फेस से बाहर निकलकर एक ब्लेस्ड फेस में जाने वाले हो, तो ओवरऑल आपके लिए एक बहुत अच्छा टाइम आने वाला है फ्रेंड्स, जो कि डिवाइन ब्लेसिंग भी है। और सन का कार्ड जब आ जाता है रीडिंग में, तो हमें पता है सन माने की ब्राइटनेस, हर उस तकलीफ से बाहर निकलना जो भी हम फेस करने वाले हैं अपनी जिंदगी में। ऑल राइट, यहाँ पे जो मुझे एक और मैसेज आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं, और मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी अब आपको चाहिए ना, वो बहुत क्लैरिटी के साथ चाहिए, यानी कि क्लियर पिक्चर चाहिए आपको। तो आपको ये भी बोला जा रहा है कि अब आपको आने वाले टाइम में, यानी कि धीरे धीरे आप देख सकते हैं, धीरे धीरे ये चेंजेस हो सकता है कि आप अगर किसी भी रिश्ते में, चाहे प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, आप जो भी क्लैरिटी मांगना चाहते हैं, जो भी आपको क्लैरिटी चाहिए, वो भी आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। तो एक बहुत अच्छी न्यूज़ है पाइल नंबर वन आपके लिए, तो क्योंकि जब सन आता है, डेथ आया है और इतने मेजर आर्काना कार्ड्स आए हैं, तो अच्छी चीज़ें तो होनी है। चलिए देखते हैं मून ब्लेसिंग क्या रहा है आपके लिए। देखिए कम्युनिकेशन का कार्ड भी आया था, मैंने आपको दिखाया था कि आपकी कम्युनिकेशन बढ़ने वाली है, हो सकता है कोई आपको मैसेज करने वाला है। और देखिए कार्ड भी आया है कम्युनिकेशन इज द की, तो हो सकता है अगर आप किसी के कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी गुड न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, कोई जॉब अप्रूवल का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो भी आने वाला है आपके लाइफ में। कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई डील फाइनल हो सकती है, तो ये डेफिनेटली आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, तो अगर आपका कोई एक्शन पेंडिंग है, या फिर अगर आपको कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है जिसका आप सही समय का वेट कर रहे थे, तो वो सही समय भी आ गया है आपकी ज़िंदगी में। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, तो हो सकता है, मैंने बोला भी कि कुछ लोग ऐसा लग रहा है कि आप डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलने वाले हो, तो हाँ ऐसा भी लग रहा है मुझे कि हाँ आपके वो पर्सन आपको अप्रोच करने वाले हैं और अपने दिल की बात बयां करने वाले हैं। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, यानी कि अब तक आपको ऐसा लग रहा था कि कोई भी चीज़ चेंज नहीं हो सकता, मेरे को सिर्फ सफरिंग ही मिलने वाला है, मुझे सिर्फ प्रॉब्लम होने वाली है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बोला जा रहा है कोई भी चीज़ पत्थर की लकीर नहीं होती, चीज़ें बदलती है और सही टाइम पर बदलती है, और ये सही टाइम जो है आपकी ज़िंदगी में आ गया है। चलिए देखते हैं एक और कार्ड, ब्रिंग लव इन टू सिचुएशन, तो अगर आप ऐसे सिचुएशन में थे जहाँ आपको लग रहा था कि पता नहीं चीज़ें सही होंगी या नहीं, और आपको भरोसा नहीं हो रहा था, तो अब आपको बोला जा रहा है कि चीज़ों पर भरोसा करना सीखें, क्योंकि जैसे जैसे आप भरोसा करेंगे ना, तो चीज़ें अच्छी आपकी ज़िंदगी में ऑफकोर्स होती रहेंगी। चलिए अब हम कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आने वाला है। ओके, बहुत सारा आ गया है मैसेजेस, लेट्स सी। चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आए। ऑलराइट, सबसे पहला आया है रिंग, अ मैरिज विल टेक प्लेस ईदर रोमांटिक और बिजनेस, तो हो सकता है कोई प्रपोजल आने वाला हो, मैंने बोला भी था कुछ लोगों के लिए हो सकता है मैरिज रिलेटेड हो, तो डेफिनेटली कोई आपको वर्क के लिए भी हो सकता है, कोई आपको बिजनेस के लिए प्रपोज करे, कोई प्रपोजल दे आपको, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी न्यू रोमांटिक, यहाँ पे कार्ड भी आया था ना न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, तो हो सकता है अब आपको कोई पर्सन अप्रोच करने वाले हैं जो आपसे शादी करना चाहते हो, या कुछ लोगों के लिए बिजनेस डीलिंग हो सकती है। दूसरा आया है आपके लिए सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू, तो अगर आपको किसी चीज़ में आप कोई काम करने में अटक रहे थे, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो बोला जा रहा है कि आप उस इन्फॉर्मेशन को ढूंढें, तो आपको आपका आंसर भी मिल जाएगा। फिनेंशियल पिंच, तो हो सकता है आपके लाइफ में फिनेंशियल अगर कोई प्रॉब्लम लेकर रही है, तो बोला जा रहा है कि फिनेंशियल चीज़ों पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, बाकी सारी चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी। क्लाइंबिंग टूवर्ड्स सक्सेस, सक्सेस आ रहा है आपकी लाइफ में फ्रेंड्स। जुलाई भी आने वाला है, तो जुलाई का महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है। अनसेटल टाइम्स नीड टू प्लान अहेड, तो अगर आपके कोई प्लान्स ऐसे हैं जो
अधूरे हैं या फिर आपने कंप्लीट नहीं किया है तो बोला जा रहा है उस प्लान पर ध्यान देने की ज़रूरत है और ये टाइम है कि आप चीज़ों को प्लान कर ले। बी वेयर ऑफ ग्रीड। तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो थोड़े लालची हो सकते हैं या फिर आपसे मदद मांग कर फिर आप ही को बेवकूफ़ बना सकते हैं, तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जून, तो हो सकता है इस जून में कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट हुआ हो उसका भी आउटकम आपकी ज़िंदगी में आने वाला हो। वी हैव प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड। तो हो सकता है किसी क्लोज फ्रेंड से आप मिलने वाले हो आने वाले वक्त में और जिनके साथ आपको वक्त बिताना बहुत पसंद हो। और आ रहा है लिली, स्पिरिचुअल लव, वेरी नाइस। तो पाइल वन ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। हाय पाइल टू, वेलकम बैक टू योर रीडिंग। तो अगर आपने सेलेक्ट किया है तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ या मीन राशि, दैट इज लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस और पाइसिस, तो चलिए देखते हैं कि ये न्यू मून जो है आपके ज़िंदगी में क्या ब्लेसिंग लाने वाला है। तो सबसे पहले हम कार्ड्स देखेंगे टैरो से, फिर हम और कुछ कार्ड्स निकालेंगे। ऑल राइट, तो सबसे पहले हम कुछ टैरो से कार्ड्स चेक करेंगे क्या मेजर चेंजेस होने वाले हैं नेक्स्ट 15 डेज में, क्या ऐसे चेंजेस रहेंगे आपके ज़िंदगी में। हो सकता है कुछ चीज़ों का आपको खुद ही इंतज़ार रहे तो वो चेंजेस आ रहे हैं कि क्या आ रहा है, लेट्स फाइंड आउट। के लिए पहला ही कार्ड आया है डेथ का। ऑल राइट, वेरी नाइस। वाओ, वी हैव सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, पाइल टू। ओके, यहाँ पे आया है नाइन ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव स्ट्रेंथ, वी हैव एट ऑफ सूट्स एंड वी हैव फाइव ऑफ कप्स। ऑल राइट, we have four of wands, great, we have knight of pentacles, we have seven of cups, one more card, okay, मैं एक कार्ड मांग रही थी, दो कार्ड आ गया, तो we have king of swords and we have chariot as well, और bottom से जो कार्ड आया है वो है knight of wands का, all right. पाइल नंबर टू, चलिए हम साइन और एलिमेंट की बात करते हैं, बट ऑल्दो ये आप ही के साइन के लिए है अगर आपने साइन वाइज सेलेक्ट किया है, फिर भी यहाँ पे अगर साइन और एलिमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे फायर साइन बहुत स्ट्रांग है जो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यहाँ पे टॉरस, वर्को, कैप्रिकॉन की एनर्जी भी है, यहाँ पे लियो की एनर्जी स्ट्रांग है, यहाँ पे कुछ लोग एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनाई भी हो सकते हैं, यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, सारे के सारे साइन एलिमेंट मौजूद है जिसमें से स्कॉर्पियो की एनर्जी, जिसमें लियो की एनर्जी और कैंसर की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। चलिए अब रीडिंग शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में इस न्यू मून से। देखिए, सबसे पहला मैसेज जो चैनल हो रहा है कि अब आपकी ज़िंदगी में जो है आपको सिर्फ अपॉर्चुनिटी की तलाश है, आप कुछ नया करना चाहते हो, एक सी लाइफ से आप बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हो और नई चीज़ों को आप फेच करना चाहते हो। तो आपके लाइफ में सबसे पहले जो मैसेज मुझे चैनल हो रहा है कि अपॉर्चुनिटी आ रही है और बड़ी तेज़ी से आ रही है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे चैरियट का कार्ड भी है और यहाँ से नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है, माने कि जो भी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, चाहे आपके वर्क लाइफ में हो सकता है, आपके बिजनेस में हो सकता है, या फिर मैं बात करूँ तो आपके हो सकता है कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में हो सकता है, तो वो अब बहुत जल्दी से आपके लाइफ में अप्रोच होने वाला है। दूसरा यहाँ पे मुझे मैसेज जो मिल रहा है पाइल नंबर टू, वो ये है कि आप अगर अब तक बहुत सारे कार्मिक साइकिल से गुजरे हो, यानी कि बहुत ज़्यादा सफरिंग रही है, आपने बहुत कम अच्छे दिन देखे हैं और हमेशा कोई ना कोई टफ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ गई, आप कुछ भी अप्रोच करने जाते हो तो उसमें प्रॉब्लम होती है, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में जो है एक मेजर यू नो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए 5 दिन में हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए
5 से 7 दिन में आप ये चेंजेस अपने लाइफ में देख पाओगे, और ये शायद चेंजेस आपके लव लाइफ के लिए हो सकता है, या फिर अगर आपके रिलेशनशिप, आपके फैमिली के साथ अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो इसमें डेफिनेटली एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। यानी कि अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है, आपके लाइफ से कोई गया है, या फिर अगर आपके लव लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, तो उससे बाहर आने वाले हो। मैरिज का कार्ड आया है यहाँ पे, माने कि कुछ लोग अगर शादी के लिए वेट कर रहे थे, शादी के प्रपोजल के लिए वेट कर रहे थे, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है शादी का प्रपोजल आने वाला है, किसी कोई रिश्ता लेकर आ सकता है आपके घर पे। यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप किसी का दिल जीतना चाहते हो और उसी पर्सन से आप अपनी कमिटमेंट दे के उनसे शादी करना का प्लान है आपका, तो वो भी कुछ लोगों के लिए फुलफिल हो सकती है। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी कोई एक विश मैनिफेस्ट हो रही है, वो आपके वर्क रिलेटेड हो सकता है। हो सकता है आपने बहुत कुछ मांगा हो, बट उसमें से जो है एक विश जो है आपके वर्क रिलेटेड, आपके बिजनेस को रिलेटेड, जिसका आपको बहुत लंबे समय से इंतजार था, वो भी होने वाला है। आपकी लाइफ में बेसिकली ऑप्शंस आने वाले हैं, और पास्ट में आप जितने टाइम तक भी अपने आप को ट्रैक रखे हो, क्योंकि वहां पे 8 of Swords का कार्ड आया है, वो कार्ड बात करता है कि अपने सिचुएशन में खुद ही उलझ जाना, अपने सिचुएशन से बाहर नहीं आना, अपने आप को ही दोष देते रहना, तो इस चीज से भी आप कहीं ना कहीं बाहर आने वाले हो, और बहुत जल्दी ये चेंजेस आपके लाइफ में होने वाले हैं, क्योंकि डेथ भी है और ट्रांसफॉर्मेशन डेथ की बात करता है। यहाँ पे जो मुझे एक और मैसेज मिल रहा है कि हो सकता है जब आपका पास्ट में ब्रेकअप हुआ हो, कि आप क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 70-80% लोगों की एनर्जी ऐसी है कि लग रहा है कि हाँ आप किसी से मूव आउट हुए हो, कोई आपके लाइफ से गया है। तो जी हाँ, आप अगर किसी के लाइफ से गए हो या फिर आपको कोई छोड़ के गया है, तो अब जो है आपने जो स्ट्रेंथ बनाकर रखा था कि ठीक है अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, जो है वो मैं खुद ही हूँ और मैं खुद ही सारी चीज़ों को हैंडल कर लूँगा, तो ये आपके लिए मैसेज आ रहा है कि अब जो है आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब डिवाइन ही आपको ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। क्योंकि अगर आपका ध्यान लव लाइफ से हटकर अपनी वर्क लाइफ पर हो गया है, तो आपको उसी में अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। और यहाँ पे जो लोग शादी के लिए सोच रहे हैं, कोई नए प्रपोजल के लिए सोच रहे हैं, किसी अप्रूवल के लिए सोच रहे हैं कि घर वाले मानेंगे या नहीं, तो डेफिनेटली शादी की शहनाइयाँ भी कुछ लोगों के घर में बचने वाली है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल टू। चलिए देखते हैं अब आपको मून क्या गाइडेंस देना चाहती है आज की रीडिंग में, इस न्यू मून की एनर्जी में। चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आएगा। ओके, एक मैसेज आ गया है, वर्क थ्रू योर फियर्स, यानी कि अगर आपको किसी चीज से डर लगता है, कुछ भी अप्रोच करने से आपको डर लगता है, तो बोला जा रहा है कि आप अपने कर्म को तो सही रखें, और डेफिनेटली आपको जिस चीज से डर लगता है उस चीज का सामना करें। एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, तो कोई बहुत टफ साइकिल थी, मैंने बात भी करी आपकी कि आपने अगर कोई सफर किया है, कि आपके लाइफ से मूव आउट हुआ है, तो उसका भी एंड होने वाला है। एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज, तो डेफिनेटली एक पावरफुल चेंज आने वाला है आपकी जिंदगी में। ऑलराइट, योर ड्रीम नीड्स अ प्रैक्टिकल प्लान, अगर आपका कोई सपना है कि आप नेक्स्ट 2 years, 5 years या फिर 1 year में ये करना चाहते हो, तो उसे प्रैक्टिकली अप्रोच करने की जरूरत है। यहाँ पे एक और कार्ड आया है, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, तो अगर आपने कुछ आपका काम हो सकता है, आपका वर्क हो सकता है, जहाँ पे अब आपको देखा जाएगा कि आप कितने लायक हो उस काम के लिए। अगर आपने कोई गोल सेट किया हुआ है, या फिर अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जिसमें आपका डेडिकेशन लग रहा है, तो अब आपके मैनेजर्स भी आपको टेस्ट करने वाले हैं, और डिवाइन की तरफ से आपको ये बोला जा रहा है कि ये टेस्टिंग टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपकी जो ड्रीम्स है, आपके वर्क रिलेटेड अगर कोई ड्रीम्स है, वो अगर आप चाहते हो कि वो हकीकत में बदले, तो डेफिनेटली ये टेस्टिंग आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और ये अच्छी न्यूज़ आपके लिए लेकर आने वाला है। ऑलराइट, चलिए अब हम देखते हैं कुछ और मैसेजेस क्या है जो आपके लिए आ रहा है फाइल नंबर 2। कुछ और मैसेजेस, ओके, इतने कार्ड्स तो मैं नहीं लूंगी, ये यहाँ पे ढेर सारे कार्ड्स गिर गए, तो थोड़े और कार्ड्स मैं ले लेती हूँ, फिर हम देखते हैं कि आपके लिए और क्या आने वाला है।
बहुत सारे कार्ड्स आ गए फ्रेंड्स, लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। पाइल नंबर टू के लिए बहुत सारे कार्ड्स आ गए। सबसे पहला आया है जुलाई, तो जुलाई आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है। यहाँ पे आया है आपके लिए यू विल बी टेकन केयर इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, तो अगर आपको मुसीबत होगी तो आपको मदद भी मिलेगी। यहाँ पे आया है अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड, मैंने बोला भी था कि आपकी कोई विश जो है वो डेफिनेटली ग्रांटेड होने वाली है। यूनिवर्स ने भी बोल दिया कि जी हाँ ग्रांटेड होने वाली है। कितना अच्छा लगता है जब रीडिंग मैच होती है डिवाइन की तरफ से। समवन इज ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड और समथिंग यू वॉन्ट, तो कोई है जो आपके और आपके फ्रेंड के बीच में दरार बनने वाला है या फिर कोई डिफरेंसेस क्रिएट करने वाला है या फिर किसी चीज़ को लेकर कोई पर्सन हो सकता है आपके और आपके उस चीज़ के बीच, आपके कोई गोल के बीच आ जाए, तो ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्लाइंबिंग टूवर्ड सक्सेस, सक्सेस आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। हैप्पीनेस, वाओ, वेरी नाइस। Someone is extremely stubborn and unwilling to change. तो कुछ लोग आपके ज़िंदगी में ऐसे हो सकते हैं, आ सकते हैं, जो अपने आप को नहीं बदलना चाहते no matter what. मार्च आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। आपके लिए दो महीने आए हैं यानी कि जुलाई और मार्च सिग्निफिकेंट है आपके लिए। लव पाइल नंबर टू, डिस्कॉर्ड अमॉन्ग फ्रेंड्स और फैमिली, तो हो सकता है कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं आपके और आपके फैमिली के बीच, आपके फ्रेंड्स के बीच, तो उसका ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। ऑल राइट, तो पाइल नंबर टू ये थी आपकी रीडिंग फॉर न्यू मून। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट पे आप यूनिवर्स को थैंक यू बोल सकते हैं, एंजल्स को थैंक यू बोल सकते हैं, आप जिन्हें भी मानते हैं उन्हें थैंक यू बोल सकते हैं। अगर आप हमारी फैमिली पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।